I don't know. दोस्तों आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि फ्री इनर्जी वाटर पंप बनाने के लिए तो मैंने बहुत प्रयास किया और इंटरनेट पर भी बहुत सारा वीडियो देखा फ्री इनर्जी वाटर पंप का तो यहाँ पर जिस तरह से यूट्यूब पर दिखाया गया है फ्री एनर्जी का वाटर पंप उसी तरह से मैं बिल्कुल बना चुका हूँ अब यहाँ पर बारी है तो टेस्टिंग तो चलिए टेस्ट करते हैं और फिर देखते हैं ये कैसे काम कर रहा है और कितना ये रिलायबल है और भी बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं जब पानी ऊपर होता है तो उसे नीचे लाना बहुत ही आसान होता है और वो बिल्कुल फ्री भी होता है लेकिन यहाँ पर हम लोगों को नीचे से पानी ऊपर लाना है तो यहाँ पर जिस तरह से यूट्यूब पर वीडियो दिखाया गया मीन्स एक इस तरह का कंटेनर ले लिया जा रहा है और फिर एक ऊपर वाले साइड से एक पाइप कनेक्ट कर दिया जा रहा है या तो वाटर के पास से या तो ग्राउंड लेवल से तो उसी तरह से मैंने एक पाइप कनेक्ट कर दिया है वहाँ पर है पानी और यहाँ पर है एक कंटेनर और बिल्कुल नीचे से जिस तरह से यूट्यूब वीडियो में दिखाया गया है उसी तरह से मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दिया हूँ तो अब इसमें पानी डाल करके हम लोग इसको लॉक कर देंगे और फिर छोड़ेंगे तो नीचे से जैसा कि YouTube वीडियो में दिखाया जा रहा है नीचे से इसमें पानी आएगा क्योंकि यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा आगे से जब पानी गिरेगा तब तो चलिए इसी चीज़ को टेस्ट करते हैं यहाँ पर मैं इसको पानी में कर दे रहा हूँ हो गया पानी में और यहां पर कोई भी लीकेज नहीं है जैसे कि उसमें भी बताया जा रहा है कि कोई भी लीकेज नहीं होना चाहिए तो यहां पर भी मैंने लीकेज को बहुत ही अच्छे ढंग से बंद कर दिया है तो चलिए अब पानी डालते हैं तो भाई साहब इसको पूरा फुल कर देना है जैसा कि YouTube वीडियो में दिखाया गया है तो तो दोस्तों यहाँ पर इस कंटेनर में पानी भर चुका है अब यहाँ पर जिस तरह से YouTube वीडियो में दिखाया गया है उसी तरह से मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ इसमें रबड़ है तो बहुत ही आसान इसमें कोई भी लीकेज नहीं होगा इसके कैप में रबड़ है तो कोई भी लीकेज नहीं होगा इसको भी मैं बहुत ही अच्छे से बंद कर ले रहा हूँ अब यहाँ पर बारी है तो जैसे ही मैं यहाँ पर खोलूँगा तो उधर पानी गिरना स्टार्ट हो जाएगा मीन्स नीचे से ऊपर पानी आने लगेगा तो देखते हैं क्या होता है क्या यह काम करता है या नहीं करता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओ भाई साहब यहां पर तो वास्तव में पानी गिर रहा है क्या बात है ये कितना देर तक गिरता है ये देखते देखने वाली बात है वास्तव में यह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है अभी नहीं बता सकते हैं क्योंकि अभी तो हम लोग इसके अंदर पानी डाले हैं मे भी उसके अंदर जो पानी है वो गिर रहा हो जब ये ज्यादा देर तक चल जाएगा तब पता चलेगा कि ये वास्तव में पानी दे रहा है या नहीं दे रहा है यहां पर तो पानी लीकेज हो रहा है जरा सुनिए इसे ओ भाई हवा ले ले रहा है इसीलिए तो पानी गिर रहा है अभी हमें यहाँ पर एयर सील करना पड़ेगा ताकि इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो नहीं तो नीचे से पानी तो ऊपर आएगा ही नहीं तो यहाँ पर मैं सिंपली मिट्टी का लेप लगा दे रहा हूँ जो कि बहुत ही आसान तरीका होता है एयर को लॉक करने के लिए अभी हम लोग तो घर से दूर हैं इसीलिए जो भी टेक्निक यहाँ पर सुझा है वो मैं यहाँ पर अप्लाई कर दिया हूँ अब यहाँ पर ऑन करते हैं और फिर देखते हैं ये एयर सील हुआ है या नहीं ऑन कर रहा हूँ यहाँ से तो यहाँ पर मैंने इसको पूरा एयर सील्ड कर दिया है अब थोड़ा सा भी एयर लीकेज नहीं हो रहा है और ना ही यहाँ पर सुनाई दे रहा है हम लोग नेचुरली इसको सॉल्व किए अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ये पानी दे रहा है या नहीं दे रहा है ओ भाई साहब ये देखिए कितना पानी दे रहा है या नहीं दे रहा देखिए बिल्कुल ही पानी नहीं दे रहा है जब हमने एयर सील्ड कर दिया थोड़ा सा एयर लीकेज था तो इसमें पानी गिर रहा था और अभी ऑन भी है और थोड़ा सा भी पानी गिर नहीं रहा जिस तरह से इंटरनेट पर दिखाया गया है यानी यूट्यूब पर वीडियो बनाया गया है फ्री एनर्जी का वाटर पंप उसी तरह से मैंने बिल्कुल बनाया है दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि ऊपर से तो नीचे बहुत ही आसानी से पानी आ जाता है लेकिन यहाँ पर नीचे से ऊपर पानी लाया जा रहा था और उसी तरह से मैंने बनाया तो ये बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है दोस्तों एक्सपेरिमेंट से तो चल गया कि ये काम नहीं कर रहा है तो चलिए अब YouTube वीडियो को जिसे देख करके मैंने बनाया है या बहुत सारे वीडियो YouTube पर अवेलेबल हैं, उसको एनालाइज करते हैं और फिर देखते हैं कि इन लोगों का कैसे काम कर रहा है क्या ये रियल बनाया है लो या फेक बनाया है लो तो चलिए देखते हैं दोस्तों अगर ये पॉसिबल है इस तरह से वाटर पंप बनाना तो लाखों करोड़ों हमारे देश का रुपया बच सकता है इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं कि आखिर ये काम करता है या नहीं करता है इस वीडियो में प्रूव करने के लिए क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं तो चलिए मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं जिसे देख करके मैंने बनाया था और फिर और भी बहुत सारे वीडियो देखेंगे जो इस तरह से लोग बनाएंगे इस तरह से के हजारों वीडियो है लेकिन मैं कुछ वीडियो ही दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा तो यहां पर मैं ये वीडियो मैंने देखा और फिर इसी को देख करके मैंने बनाया यहां पर एक बैरल लिया गया है और फिर और इसको कुछ इस तरह से फिक्स कर दिया गया है जिस तरह से इस वीडियो में किया गया है उसी तरह से मैंने भी फिक्स किया था लेकिन काम नहीं किया और इन्होंने तो एक कुआं में से पानी खींच करके सीधे बाहर गिरा दे रहे हैं पता नहीं कैसे लेकिन ये गिरा रहे हैं यहां पर देखिए यहां पर ये खोल रहे हैं यहां पर इन्होंने खोला तो पानी गिरने लगा यहां पर देख सकते हैं पानी गिर रहा है और इधर अभी पानी नहीं आ रहा है जैसे कि यह वीडियो में दिखाया गया है, देखिए। लेकिन कुछ ही देर में यहां पर पानी आने लगा, क्या बात है और यहां पर भी गिर रहा है दोस्तों अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि यहां पर इन्होंने किस तरह का एडिटिंग किया है कि इस तरह से पानी आ रहा है या यह भी हो सकता है कि इधर कुएं के अंदर ये समरसीबल वाटर पंप डाल दिए होंगे और फिर नीचे से ऊपर पानी आ जा रहा है इस तरह से लेकिन ये ज़्यादा अच्छा से समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ये काम कर रहा है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे क्लेम किए हैं कि ये 100 परसेंट सही है तो उनको देखते हैं यहाँ पर देखिए ये हिंदी में ही वीडियो है और फिर ये क्या बोल रहे हैं इनका भी सुना जाए थोड़ा ये है हमारा फ्री एनर्जी वाटर पंप जिससे अगर हम चौबीस घंटे में पानी बटाए

दोस्तों यहां पर मैंने इस पूरे वीडियो को ऑब्जर्व किया तो मुझे कुछ यहां पर देखने को मिला तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं यहां पर इनके वीडियो के शुरुआत में यहां पर देखिए जब वीडियो शुरू हो रहा है तो पानी गिर रहा है और इनका जो बैरल है एक टेबल पर रखा हुआ है और इतना ऊपर से पानी नीचे गिर रहा है जैसा कि ये क्लेम कर रहे हैं कि नीचे से पानी सॉरी नीचे से पानी ऊपर वाले लेवल में गिर रहा है तो यहां पर तो ये सिद्ध हुआ कि ये अच्छा से काम कर रहा है लेकिन जब मैंने इस वीडियो को पूरा देखा तो देखिए एक यहां पर यहां पर देखिए लास्ट में क्या हुआ यहां पर इसका टेबल गायब हो गया और टेबल गायब होने के बाद यहां पर देखिए ये कैसे काम कर रहा है यहां पर है गड्ढा का पानी और यहां पर है इसका आउटलेट यहां पर इनलेट यहां पर आउटलेट इनलेट का पानी का लेवल ऊपर है और आउटलेट का पानी का लेवल नीचे है मींस यहां पर भी पानी ऊपर से नीचे आ रहा है ना कि नीचे से पानी ऊपर वाले लेवल में गिर रहा है तो दोस्तों देखा आपने यहां पर भी इन्होंने अपने ही वीडियो में सिद्ध कर दिया तो चलिए एक और मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर देखिए इस वीडियो में शुरू में कितना अच्छा से पानी गिर रहा है और यहाँ पर भी पानी गिर रहा है लेकिन जब इस वीडियो को मैंने पूरा देखा पूरा ऑब्जर्व किया तो इस पूरे वीडियो में ही बनाते हुए दिखाया गया है लेकिन जब पानी गिराने की बारी आई जब मतलब पूरा इसे दिखाने की बारी आई तो वीडियो बहुत ही तेजी में समाप्त हो गया यहां पर देखिए यहां पर पानी डाला जा रहा है और यहाँ पर एक चीज़ और मैंने देखा यहाँ पर एक पाइप लगाया गया है मीन्स यहाँ से ये एयर लीकेज ले सकता है मीन्स यहाँ से एयर जा सकता है जब एयर जाएगा तो बोतल का ही पानी गिरेगा ना कि नीचे से पानी ऊपर जाएगा और एक चीज़ यहाँ पर और देखिए यहाँ पर जैसे ही खोला गया तो जैसे ही खोला गया तो यहाँ तो पर देखिए तो यहाँ पर पानी यहाँ से नहीं गिर रहा है लेकिन थोड़े ही देर में इसका शॉर्ट चेंज हो जाएगा देखिए यहाँ पर नहीं दिख गया और शॉर्ट चेंज हो गया नजदीक जाने के बाद शॉर्ट चेंज हो जा रहा है और शॉर्ट चेंज होने के बाद इसमें पानी जो है वो फ्लो होने लग रहा है सर्कुलेट करने लग रहा है और यहाँ पर एक चीज और है कि ये पानी कितना साफ है जबकि यहां पर मिट्टी में पानी रखा गया है यहां पर देख सकते हैं यहां पर देखिए पानी सर्कुलेट कर रहा है लेकिन इसको पूरे फ्रेम में मतलब एक पूरे एरिया में नहीं दिखाया जा रहा है कि मे भी इसका सच्चाई बाहर आ जाए दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं आप, आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है तो आप भूल के भी बड़ा बैरल में मत बनाइएगा क्योंकि उतना पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना ही है तो आप छोटे लेवल पर कीजिए ताकि पैसा भी बर्बाद ना हो और आपका एक्सपेरिमेंट भी हो जाए और पता चल जाए कि ये फेक है या रियल है इसमें एयर प्रेशर ग्रेविटी वैक्यूम सरफेस टेंशन इतने तरह के फोर्सेस काम करते हैं परफेक्टली बैलेंस होते हैं तब जाके ये काम करता है अगर ये बैलेंस नहीं हो तो ये काम नहीं करता है दोस्तों इसे और भी अच्छा से समझने के लिए कि ये कैसे काम कर रहा है और कैसे नहीं कर रहा है इसके लिए मेरे पास है इसका एक छोटा सा मॉडल यहाँ पर एक पाइप है जो ऊपर से लगा हुआ है और यहाँ पर है एक नीचे से लगा हुआ है अभी तो इसमें पानी नहीं है तो पानी हम लोग सिंपली भरेंगे इसमें इसमें समीम पानी भरो तो ओके यहाँ पर पानी भर चुका है ये हो गया ऊपर जिस तरह से वीडियो में है ये है ग्राउंड लेवल जो इसके ऊपर है है और यहां पर पाइप जैसे ही मैं यहां पर छोड़ रहा हूं तो देखिए ये पानी गिरने लगा जैसे ही मैं इसको ऊपर ला रहा हूं तो देखिए धीरे धीरे होते होते ये बंद हो जा रहा है और जैसे ही नीचे ले जा रहा हूँ तो देख सकते हैं ये चालू हो जा रहा है जब मैं इस पाइप को नीचे ले जा रहा हूँ इस वाटर लेवल से तब भी जाके इसमें पानी गिर रहा है यहाँ पर देखिए मैं इसके पास में रख रहा हूँ तब आपको बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर पानी गिर रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर है वाटर लेवल और यहाँ पर गिर रहा है लेकिन जैसे ही मैं ऊपर कर रहा हूँ तो देखिए बंद हो जा रहा है और थोड़ा, थोड़ा सा भी नीचे आने पर पानी गिरने लग रहा है यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों अगर आप भी सोचते हैं कि इस तरह से फ्री एनर्जी वाटर पंप बनाने के लिए तो ये बिल्कुल गलत है ये काम नहीं करेगा इस तरह से बिल्कुल भी काम नहीं करेगा आपने कमेंट किया तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत